सब्सक्राइब कीजिए है कंटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश भाटी और आप देख रहे हैं कंटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको सारे स्टेप समझ में आ जाए और अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नए यूट्यूबर को अपने चैनल को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे यदि आप अपने चैनल पर अप्लाई करोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थिंक रखनी है कि आपका चैनल ग्रो करेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे कि आपका चैनल ग्रो नहीं करना है तो आप अपने चैनल को छोड़ दोगे और आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है वो आपको है कि कंटिन्यूस आपको अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालते रहना है डेली। तो आप ऐसा एक महीने तक करोगे, यानी कि आप एक महीने तक रेगुलर वीडियो अपने चैनल पर डालोगे। मान लीजिए आपका कोई टेक चैनल है और आप उस पर एक महीने तक वीडियो डालते हो, लेकिन होता क्या है कि उसकी वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं, सारी वीडियोज़ पर कुछ पे आते हैं कुछ पे नहीं आते। उसके बाद आपको करना क्या है, एक महीने के बाद आपको अपनी वीडियो की जो लिस्ट है उसे चेक करना है और उसमें यह देखना है कि आपकी कौन सी वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यू आए हैं, यानी कि हायर व्यू वाली वीडियो आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो डाली व्हाट्सएप से रिलेटेड, उसमें आपने व्हाट्सएप की ट्रिक्स बताई हैं या फिर कुछ भी बताया है, तो वो वीडियो है उस पर आपके लगभग 100 व्यू आ गए हैं एक महीने के अंदर। तो अब आपको करना क्या है कि आपको उस वीडियो को पकड़ लेना है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यू आए हैं, यानी कि व्हाट्सएप वाली वीडियो को आपको पकड़ लेना है और आपको फिर एक महीने तक उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है। यानी कि जो आपने और वीडियो डाली हैं उनको आपको छोड़ देना है, जो वीडियो के सबसे ज़्यादा व्यू हैं उस वीडियो से रिलेटेड आपको वीडियो बनानी है। यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप से रिलेटेड आपकी वीडियो थी जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू थे, तो उसी से रिलेटेड आपको है जो वीडियो बनानी है। हो सकता है आपकी पहली वीडियो हो कि व्हाट्सएप की ट्रिक आपने बताई है, तो दूसरी में आप बता सकते हो कि व्हाट्सएप स्टेटस कैसे डाउनलोड करें या फिर व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाएं। तो यानी कि आपको व्हाट्सएप का जो कीवर्ड है उसी के इर्द गिर्द वीडियो बनानी है उसी टॉपिक को लेके। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके वीडियो की जो बाकी जो वीडियो है वो रुक जाएंगी और जो व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो है उनमें ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे उनमें ग्रो होगा तो उन पर व्यू बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे तो आपके पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो आपका चैनल जो वो ग्रो करने लग जाएगा। तो आपको जब तक आपके 10,000 या 5,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है, और जिस दिन आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं उस दिन आप थोड़ा अलग वीडियो डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका चैनल है वो ग्रो कर जाएगा बहुत ही आसानी से, एक या दो महीने में आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इसे प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और यदि आप YouTube से रिलेटेड कोई भी बात पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अकाउंट आपको दिख गया होगा, तो जाइए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।